नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश बस्नेत नेपाल से बात कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो बना के लाया हूँ मैं। आज का विषय है पानी। पानी कैसे पीते हैं, इस बारे में हम आज बात करेंगे। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी जितना पियेंगे उतना अच्छा है, लेकिन पानी पीने का एक लिमिट होता है। 3 to 5 liters पानी हम दिन में पी सकते हैं, उससे बेसी पानी हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है, लेकिन उससे कम पानी पीना भी हमारे लिए घातक है। पानी सही तरीके से पीने से हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं। आज हम बात कर लेंगे इस फायदे के बारे में। पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पानी सही तरीके से पीने से क्या क्या हमारे शरीर में घाटा होता है। पानी अगर आप सही तरीके से सही मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर में जो जोड़नी है, जो जॉइंट्स है, जो मस्तिष्क है, इनमें समस्या आता है। जैसे जोड़नी का दुखाई हो गया, मांसपेशी का दर्द है, सिर का दर्द है, माइग्रेन पेन, आर्थराइटिस, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन, जैसे बहुत सारे समस्याएं आते हैं पानी सही तरीके से नहीं पीने से। अब सही तरीके से पानी पीने से क्या होता है दोस्तों, कि हमारा शरीर का जो है बॉडी टेम्परेचर ये रेगुलेट होता है, बैलेंस रहता है। 90 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर बैलेंस रहता है। बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से होता है। शरीर में जो है आपका ब्लड सही मात्रा में बनता है। बॉडी का जो सेल्स है वो रीजनरेट होते हैं और डेड सेल्स होते हैं, डेड सेल्स टॉक्सिन्स वगैरह जो हैं वो जो शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हमें स्वस्थ रहने में मदद करता है। दोस्तों एक छोटी सी बात है, ये पानी को अगर हम सही ढंग से पीते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। हम आज बात करेंगे पानी कैसे पिए। पानी पीने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको ऐसे बैठ के पीना होता है। ऐसे बैठ के पानी पीजिए या तो आप कुर्सी में बैठ के पानी पी लीजिए। आप कैसे भी हो पानी पीना है आपको, बैठ के पीना है। खड़े होकर पानी कभी नहीं पीना है। खड़े होकर पानी पीने से हमारे जो जोड़ों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पेट में गैस बनता है। अगर खड़े होकर पानी पियेंगे, घड़ाघट करके पानी पियेंगे तो क्या होता है कि ये पानी हमारा बॉडी, हमारा शरीर जो है इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और सीधे किडनी में जाके ये पानी फिल्टर होता है और शरीर से निकल जाता है। और लगातार कुछ ही समय के दौरान में हमें पेशाब आता है और हम टॉयलेट की ओर दौड़ते हैं। तो दोस्तों हमें पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए और बैठ के पानी घटाघट नहीं पीना चाहिए। पानी इस तरह से कुछ देर मुंह में रख के पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, जो हमारे थूक में जो एमलाइज होता है एंजाइम, ये एमलाइज शरीर के अंदर घुसता है, ये एसिड को कम करता है और उसमें एल्कलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। और एल्कलाइन इन्वायरमेंट में कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वायरल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता है, वो टिक नहीं पाता है। इसकी वजह से हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होता है। और उससे अच्छे बात यह कि हमारा पाचन शक्ति बढ़ जाता है गुड़ के पानी पीने से। और गुड़ के पानी पियेंगे तो हमारा शरीर का जो पाचन प्रणाली है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो और दूसरी बात है, पानी कभी भी ऐसे नहीं पीना चाहिए, ऐसे उठा के पानी नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा ऐसे मुंह लगा के पानी पीजिए। अगर आप कहीं बाहर हैं नहीं पी सकते तो अलग बात, लेकिन आप घर पे हैं, ऑफिस में हैं तो हमेशा आप मुंह लगा के पानी पीजिए। इससे क्या होता है कि अगर बाहर ऐसे ऊपर से पानी पियेंगे तो जो बाहर एनवायरनमेंट जो गैस वगैरह है वो गैस अंदर घुसता है, उससे हमारे शरीर में जो है बहुत सारे गैस, अच्छे बुरे सभी गैस घुस जाते हैं और हमारे शरीर में बहुत घाटा होता है, बहुत सारे रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। और गैस का भी समस्या होता है, गैस्ट्रिक बढ़ जाता है अगर ऐसे खड़े ऊपर से पानी पियेंगे तो। तो दोस्तों पानी पीने का सही तरीका बैठ के पिए, घुर के पिए और मुंह लगा के पिए, ये होता है सही तरीका। अब आपको बताऊँ पानी कैसा पीना चाहिए। तो पानी दोस्तों क्या है, पानी हमेशा शुद्ध पीना चाहिए, सफा पानी, साफ पानी। लेकिन पानी को जो है आप फिल्टर करके पीजिए, तांबे के बोतल में रखिए या पीतल के बोतल में रखिए। अगर ये सब नहीं है तो स्टील के बोतल में भी रख सकते हैं आप,
लेकिन प्लास्टिक के बोतल में कमी रखिए। ऐसे प्लास्टिक के बोतल में आप पानी कभी भी मत रखिए। और कुछ लोग तो मैं देखा हूँ कि धूप में रखते हैं, सर्दी के मौसम में प्लास्टिक के बोतल में रख के धूप में रखते हैं पानी, ये अच्छी बात नहीं है। प्लास्टिक में एक गैस गैस रिलीज होता है, वो गैस पानी में जाता है और हमें शरीर को बहुत घाटा होता है, बहुत सारे स्वास्थ्य में समस्याएं आती हैं। तो प्लास्टिक के बोतल में कभी नहीं पानी पीना चाहिए। तो पानी दोस्तों तांबे के बोतल में, अगर थोड़ा सा सोना है आपके पास तो वो भी रख दीजिए तांबे के फिल्टर में, उससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तांबे के बोतल में या पीतल के बोतल में साफ पानी, और दोस्तों गर्म पानी को पीने से हमारा शरीर उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठंडा पानी पियेंगे तो उसको शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ठंडे पानी को गर्म करना होता है और वो गर्म करने में बॉडी का एनर्जी बहुत खर्चा होता है, इससे बहुत सारे सेल्स मर जाते हैं। तो दोस्तों हमेशा गुनगुना पानी पिए, गर्म पानी पिए, और गर्म पानी को ठंडा करके पी सकते हैं। डायरेक्ट मिनरल वाटर जाड़ा का पानी ना पिए तो ही बेहतर होगा। अब पानी कैसा पिए तो होगी। अब दोस्तों सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पानी कब पिए। पानी पीने का सबसे उचित समय होता है, सबसे पहले होता है सुबह उठते ही, इसे कहते हैं उषापान। आप रात को ब्रश करके सो जाइए, सुबह ब्रश करने से, कुल्ला करने से पहले ही आप पानी पीजिए। उससे क्या होता है, मुंह में जो थूक जमा होता है वो शरीर के अंदर घुसता है और जो बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वो टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाता है। इससे जितने भी बेकार वस्तुएं हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं, ये हमारे फायदा है। और दूसरा, एक गिलास पानी सुबह उठते ही पीना चाहिए, दूसरी गिलास पानी नहाने के बाद पीना चाहिए, क्योंकि नहाने के टाइम में हमारा बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है और पानी पीने से वो बैलेंस में होता है। तो पानी को जो है आपको नहाने के बाद एक गिलास पीना चाहिए, फिर भोजन से एक घंटा पहले एक घंटे बाद पानी पीना चाहिए, क्योंकि उस भोजन के टाइम में अगर पानी पियेंगे तो आपका खाना जो है पचने की वजह से वो वहीं नहीं पच पाएगा, वो पाचन जो रस होता है, जो एचसीएल रिलीज होता है वो निकल नहीं पाता है और खाना जो है आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और गैस बनता है और गैस्ट्रिक का समस्या आता है। तो खाने के समय में 2-3 घूंट पानी पी सकते हैं, जितना कि आपका गला भीग जाए उतना ही, उसे बेसी नहीं पीना चाहिए। और दिन के टाइम में, शाम के टाइम में थोड़ा सा पानी पी लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए, और रात को सोने के टाइम में आधा गिलास पानी पी सकते हैं। रात को बेसी पानी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमारा शरीर का जो ऑर्गन है, किडनी है, जो सारे ऑर्गन जो है रेस्ट में होते हैं, और रेस्ट के टाइम में इनको काम में लगाना ठीक नहीं होता है और हमें बारंबार पेशाब आता है, टॉयलेट जाते हैं, गला पड़ता है, उससे हमारी नींद खराब हो सकता है। दोस्तों आज हमने बताया आपको पानी के विषय में, फिर आपसे मुलाकात होगी दूसरी वीडियो में। नमस्कार।